हेलो एवरीवन आज इस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी तो सर कंपनीज कितने तरह की होती है आपने बहुत बार अलग अलग तरह की कंपनी के नाम सुना होगा लेकिन आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कंपनीज़ को कितनी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जा सकता है देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ऑन द बेसिस ऑफ इन कॉपोरेशन तीन तरह की कंपनीज होती हैं चार्ट कंपनी स्टैचूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी सर चार्टर्ड कंपनी कौन सी होती थी ये वो कंपनीज हैं जो कि किंग और क्वीन चार्टर पास करके ऐसी कंपनीज को बनाया करते थे ये कंपनीज अब एग्जिस्ट नहीं करती सर एग्जाम्पल ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक ऑफ जापान ये सारी कंपनीज उनके किंग और क्वीन ने चार्टर पास करके इन कंपनीज को फॉर्म किया था और इन कंपनीज के बारे में हम अब कंपनी लॉ में नहीं पढ़ते उसके बाद में अगर बात करें तो उसके बाद में जो कंपनी आती है उसका नाम है स्टैचुट्री कंपनी सर ये स्टैचुटरी कंपनी कौन सी है स्टेचुटरी कंपनी वो कंपनी है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट से बनती है यानी कि इन कंपनीज के लिए अलग से एक एक्ट पास किया जाता है सर ऐसी कंपनीज़ कौन सी हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एल एक्ट और उससे एल को बनाया गया तो हम ये कह सकते हैं कि सर एल इज ए स्टैचूटरी कंपनी आगे बात करते हैं उसके बाद में नेक्स्ट इस कंपनी के बारे में हम लोग बात करें इस कंपनी का नाम है रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी जिसका सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी है कंपनीज एक्ट का रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी है जो कि आइदर कंपनीज एक्ट 1956 या फिर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है दैट मीन कि 1956 से पहले जो कंपनी लॉ आए थे उनमें जो कंपनी रजिस्टर्ड थी वो रजिस्टर्ड कंपनी में नहीं आती मेरे कहने का ये मतलब है कि कंपनीज एक्ट 2013 और उससे पहले कोई भी जो कंपनी लॉ आया था यानी कि फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट 1882, अगर उसमें भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है तो सर वो कंपनी भी रजिस्टर्ड कंपनी की डेफिनेशन में आती है नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसमें जो फर्स्ट कंपनी है दैट इज अनलिमिटेड कंपनी अनलिमिटेड कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज नाइन टू ऑफ सर अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है अनलिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसमें मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है यस yes, यानी कि उनकी पर्सनल एसेट्स तक बिक सकती है अगर कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो और अनलिमिटेड कंपनी मे हैव शेयर और मे नॉट हैव ए शेयर कैपिटल यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अनलिमिटेड कंपनी का शेयर कैपिटल हो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता लेकिन अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है उसके बाद अगर हम बात करें अगली कैटेगरी में तो इसी कैटेगरी में एक और नाम है लिमिटेड कंपनी का सर लिमिटेड कंपनी वो जिसमें की मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है सर लिमिटेड कितनी होती है तो अगर मैं उसकी बात करूं तो इसको मैंने दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया है लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल लिमिटेड बाय गारंटी वो कंपनी है जिसमें की मेंबर्स फिक्स्ड अमाउंट की फिक्स्ड अमाउंट की सिर्फ गारंटी देते हैं यानी कि मेंबर्स ये नहीं बोलते कि वो कितना शेयर सब्सक्राइब करेंगे मेंबर्स ये बोलते हैं कि इन केस कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो वो कितना अमाउंट पे करेंगे फॉर एग्जांपल मैंने एक कंपनी बनाई और मैंने उस कंपनी में ये लिख दिया कि अगर ये कंपनी वाइंडिंग अप में गई तो मैं इस कंपनी में दो लाख रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन करूँगा लेकिन मेरी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम आइस होगी उसी कंपनी को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी यानी कि सर कंपनी के लाइफ टाइम में मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी मेरी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप पे आएगी उससे पहले आई वोंट बी हैविंग एनी लाइबिलिटी अगर बात करें कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी देखिए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी वन है और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल का सेक्शन टू क्लॉज ट्वेंटी टू है इसको भी हम दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी सर प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है तो सर प्राइवेट कंपनी का सेक्शन है टू प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कि तीन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं तीन रेस्ट्रिक्शंस कौन कौन से ये जो तीन रेस्ट्रिक्शन हैं इन्हें हम आर एल एंड पी में डिवाइड करते हैं आर मींस रेस्ट्रिक्शन एल मीन्स लिमिटेशन एंड पी मीन्स प्रोहिबिशन यानी कि सर प्राइवेट कंपनी का शेयर होल्डर यानी कि प्राइवेट कंपनी का मेंबर अपने शेयर्स आउटसाइडर को ट्रांसफर नहीं कर सकता प्राइवेट कंपनी में मेम्बर्स की लिमिटेशन होती है मिनिमम टू मेंबर्स एंड मैक्सिमम टू हंड्रेड में लिमिटेशन जो टू हंड्रेड की है ये एल उसी लिमिटेशन की बात करता है लेकिन टू हंड्रेड मेंबर्स में सर हम तीन बातों को याद रखते हैं पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय को काउंट नहीं करते और उसके अलावा जॉइंट मेंबर्स को हम सिंगल काउंट करते हैं डबल काउंट नहीं करते तीसरा प्रोहिबिशन प्राइवेट कंपनी पब्लिक इश्यू नहीं ला सकती सर प्राइवेट कंपनी की क्या कोई पेड़ अप शेयर कैपिटल मिनिमम होती है तो पहले एक लाख रुपए पेड़ अप शेयर कैपिटल का प्रोविजन था लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आने के बाद प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए एक लाख मिनिमम पेड़ अप कैपिटल का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है फ्रेंड्स प्राइवेट कंपनी के बाद आगे बात करते हैं पब्लिक कंपनी की पब्लिक कंपनी विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज सेवेंटी वन ऑफ द कंपनीज एक्ट पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है सर जिसमें कि ये तीनों रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं होती यानी कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिटेशन नहीं होती पब्लिक कंपनी पब्लिक इशू ला सकती है पब्लिक कंपनी जिसमें कि मिनिमम देर आर सेवन मेंबर्स रिक्वायर्ड पहले पब्लिक कंपनी बनाने के लिए पांच लाख रुपए की मिनिमम पेड अप कैपिटल का रिक्वायरमेंट था लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आने के बाद ये रेस्ट्रिक्शन हटा दी गई है यानी कि पब्लिक कंपनी बनाने के लिए अब पांच लाख पेड अप कैपिटल का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है पब्लिक कंपनी अपना पब्लिक इशू ला सकती है पब्लिक कंपनी जो कि सेक्शन टू क्लॉज सेवेंटी में कवर होती है और प्राइवेट कंपनी जो सेक्शन टू क्लॉज सिक्सटी में कवर होती है पब्लिक कंपनी को भी सर हम फर्दर दो और कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी एंड लिस्टेड पब्लिक कंपनी सर पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी से बड़ी कंपनी होती है पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में ज़्यादा कंप्लाइंस वर्क करना होता है खैर इसके बारे में हम लोग में बात करेंगे अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं अब बात करते हैं सर कंट्रोल के बेसिस पे कंपनीज कौन कौन सी होती है फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट कंपनी सर गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर उस कंपनी का एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट शेयर होल्डिंग हो यानी कि सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास किसी कंपनी के फिफ्टी वन परसेंट शेयर्स हैं तो सर वो कंपनी बन गई गवर्नमेंट कंपनी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को मिलाकर किसी कंपनी में फिफ्टी वन परसेंट शेयर होल्डिंग है तो सर वो कंपनी भी बन गई गवर्नमेंट कंपनी सर दो स्टेट गवर्नमेंट मिलाकर किसी कंपनी में शेयर होल्डिंग कर रही हैं तो सर वो कंपनी भी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी और सर एक बात और जो गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है दैट कंपनी इज आल्सो कंसीडर्ड एज गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन सर गवर्नमेंट कंपनी का, से। का सेक्शन सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी फाइव है उसके बाद हम लोग बात करेंगे होल्डिंग कंपनी की होल्डिंग कंपनी जिसका सेक्शन टू क्लॉज फोर्टी है सर ये होल्डिंग कंपनी कौन सी कंपनी होती है देखिए होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिसका की सब्सिडरी कंपनी पे कंट्रोल होता है होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी पे कंट्रोल सर कैसे होता है क्योंकि देखिए सब्सिडरी कंपनी की मोर देन हाफ ऑफ द शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी के पास में होती है होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन पे कंट्रोल होता है यानी कि होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है एक और बात सब्सिडरी की सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी होती है फॉर एग्जाम्पल डाबर इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी बनी डाबर लंका लिमिटेड क्योंकि उसकी शेयर कैपिटल का एक्सीडिंग 50 परसेंट यहां 50 में जो शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टेबल कैपिटल भी इंक्लूड होगा तो सर कहने का मतलब कंपनी पे कंट्रोल होल्डिंग कंपनी का होता है और सब्सिडरी कंपनी के मेजर डिसीजन भी होल्डिंग कंपनी लेती है नेक्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है एसोसिएट कंपनी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन टू क्लॉज सिक्स सब्सिडरी कंपनी ज डिफाइंड अंडर टू क्लॉज 87 सर एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है देखिए एसोसिएट कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी पे आपका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है आपसे मेरा मतलब यहाँ जिस कंपनी का किसी दूसरी कंपनी पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है यानी कि फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स कंपनी इज हैविंग सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस ऑन वाई कंपनी तो एक्स कंपनी का अगर वाई कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम ये बोलेंगे कि वाई कंपनी इज ए असोसिएट कंपनी तो हम वाई कंपनी को एक्स कंपनी की एसोसिएट कंपनी कहेंगे ये वाई कंपनी सर एक्स कंपनी की असोसिएट कंपनी बन गई लेकिन यह सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग क्या हुआ देखिए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का यह मीनिंग है कि इफ एक्स कंपनी इज हैविंग एटलीस्ट ट्वेंटी परसेंट शेयर्स अगर एक्स कंपनी के पास वाई कंपनी के ट्वेंटी परसेंट शेयर या उससे ज़्यादा शेयर हैं तो सर वाई कंपनी एक्स कंपनी की एसोसिएट कंपनी बन गई लेकिन सर ये ट्वेंटी से फिफ्टी होना चाहिए क्योंकि अगर फिफ्टी से एक्सीड करेगा तो सर वाई कंपनी अब एक्स कंपनी की सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी तो ट्वेंटी टू फिफ्टी के बीच में जो कंपनी बनती है उसे हम कहते हैं एसोसिएट कंपनी ज्वाइंट वेंचर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएट कंपनी तो फ्रेंड्स ये हमने बात करी कुछ कैटेगरीज़ की कुछ कंपनीज की एंड इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट रिमेनिंग कंपनीज कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज थैंक यू सो मच